शख्स जानते हैं, जब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में कोई बीमार पड़ता है तो उन्हें उतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि उनके पास अवेलेबल है बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट हॉस्पिटल्स, बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। लेकिन वहीं देश के छोटे गांव कस्बों में जब कोई बीमार पड़ता है ना, तो वहां उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता। सही है। इस वजह से कई लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है। आज जहां बड़े शहरों में हर 1 से 2 किलोमीटर पर आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिल जाते हैं, वहीं गांव कस्बों में 50 से 100 किलोमीटर दूर तक कोई भी प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। इस सबके चलते हर साल हमारे देश में 24 लाख लोगों की जान प्रिवेंटेबल हेल्थ केयर कंडीशन से चली जाती है। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। सही। और उसका सॉल्यूशन लेके हम आए हैं थ्रू अवर हेल्थ केयर रेवोल्यूशन, डिजिक्योर ई क्लिनिक। शार्क्स, मैं आकांक्ष टंडन और मैं कोफाउंडर हूँ डिजिक्योर ई क्लिनिक का। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम सोमन बैनर्जी है, आई एम द प्रोजेक्ट हेड, और हम आए हैं हिंदुस्तान के दिल भोपाल, मध्य प्रदेश से। डिजिक्योर ई क्लिनिक एक टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक स्वास्थ्य केंद्र है, जिन्हें हम छोटे कस्बों में ओपन करते हैं, जहाँ पे हमारे ट्रेन्ड हेल्थ केयर वर्कर्स, जिन्हें हम केयर गिवर्स बुलाते हैं, वहाँ पे रह के पेशेंट्स को डिजिटली शहर बैठे बड़े डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट कराते हैं। हम पेशेंट्स को वहीं डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन, मेडिसिन, लैब टेस्ट, ये सारी फैसिलिटीज वहीं अवेलेबल कराते हैं। इसी के साथ हम पेशेंट्स को एक सब्सक्रिप्शन भी और प्रोवाइड कराते हैं, जिसका नाम है सक्षम कार्ड। इस कार्ड की वैल्यू सिर्फ उन्हें 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, जी हाँ, 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पड़ता है। इस कार्ड के साथ पेशेंट्स हमारे क्लिनिक पे आता है और उन्हें फ्री कंसल्टेशंस अवेलेबल कराए जाते हैं। शार्क्स, आज हमारे पास मध्य प्रदेश में 7 ई क्लिनिक्स और 2 मोबाइल ई क्लिनिक्स हैं। कई हॉस्पिटल के टाइप्स के थ्रू हमारे साथ 50 से ज्यादा डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। अब तक हमने 4,000 से ज्यादा मरीजों का सफल इलाज किया हुआ है। अब बहुत ही जल्द हम नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम से अपनी ई क्लिनिक की और शुरुआत करने वाले हैं। शार्क्स, हमारा विजन है हम हिंदुस्तान के हर छोटे गांव तक पहुंचे और 100 करोड़ रूरल पॉपुलेशन तक एक अफोर्डेबल, रिलायबल हेल्थ केयर को पहुंचाए, ताकि एक भी मौत प्रिवेंटिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से ना हो। शार्क्स, हमारा आस्क है 40 लाख रुपए फॉर 4% ऑफ इक्विटी। चलिए शार्क्स, मिलकर इंडिया को बनाते हैं हेल्दी। वाओ, सो आकाश, शोभन, वेलकम शार्क टैंक सीजन 2 में। काफी महत्वपूर्ण मिशन है ये 24 लाख प्रिवेंटेबल डेथ्स इंडिया में, उनको कम करना। तो आप अपनी जर्नी के पहले थोड़ा बताइए कि आपने कैसे इसकी शुरुआत की। मेरा जन्म एक बहुत छोटे से गांव में मध्य प्रदेश में हुआ था, तो गांव की इन समस्याओं को मैंने बहुत ही पास से देखा और महसूस किया है। जब मड़ियादों में मैं रहता था तो मेरी उम्र उस समय 6-7 साल की रही होगी, तो हमारे घर में एक हाउस हेल्प आती थी, तो उसकी छोटी बच्ची हमारे साथ खेलती थी। तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत टाइम साथ में स्पेंड करते थे। एक बार जब छुट्टियों में मैं अपनी नानी के घर गया और वापस आया, तो जब वो हाउस हेल्प घर पर दोबारा आई तो पता चला कि उसकी बच्ची साथ में नहीं थी। तो पता चला कि उसे डायरिया हुआ था, वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, और उसको उसकी माँ के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे शहर जाने के, और उसकी वजह से उसने अपनी जान गंवानी पड़ी। Oh my God. और इतनी छोटी उम्र में जब ये बात मैंने सुनी, तो उसका जो मुझे दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ा, वो हमेशा आज तक मेरे साथ है। इसलिए जब मैं इसके आगे अगर अपनी बात करूँ, तो मैं पढ़ाई में काफी अच्छा था, मैं NIT भोपाल में गया ऑल इंडिया एग्जाम क्लियर करके। Wow. Amazing. वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। उसके बाद जो एक मिडिल क्लास का ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब, अगेन देयर वाज एन ऑल इंडिया एग्जाम फॉर BHEL, व्हिच इज अ गवर्नमेंट PSU, उसका ऑल इंडिया एग्जाम मैंने क्रैक किया। देन आई गॉट पोस्टेड इन बैंगलोर। अगेन ये मुझे कहीं ना कहीं चीज़ कचोट रही थी कि यहाँ मैं लाखों की भीड़ में एक हूँ, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे मैं लाखों लोगों पर एक्चुअली पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकूँ। मैं जिस फैमिली से मैं पल बढ़ के आया हूँ, वहाँ से किसी ने आज तक कभी कोई बिजनेस नहीं किया है, उनके लिए नौकरी सब कुछ होती है, सरकारी नौकरी तो इज द पीक, वो छोड़ना काफ़ी डिफिकल्ट डिसीजन था। यहाँ फिर मैंने अपने जो मेरे दो और को फाउंडर्स हैं, दे आर ऑल्सो माई कॉलेज बैचमेट्स, तो इमिडिएटली हम लोगों के कॉर्ड्स हिट हो गए कि हाँ यार ये चीज़ करते हैं।
तो उसमें से एक कोफाउंडर जो था उसने बीटेक के बाद यूएस जाके एमएसबी किया है। क्या नाम है? इन कंप्यूटर साइंस, साकेत असाटी। एंड ही हैज वर्क्ड इन हेल्थटेक देयर आल्सो फॉर 3 to 4 years। तो ही इज टेकिंग केयर ऑफ दैट ऑल द टेक्नोलॉजी जो हमने उसमें बनाई हुई है। एंड अदर फोर कोफाउंडर इज उन्होंने 5 साल आईटी एमएनसीज में काम किया हुआ है। तो सबने जॉब छोड़ी है? सब जॉब छोड़ी, इन्होंने जॉब छोड़ दी। वी डिडंट वांट अ यू नो फॉल बैक ऑप्शन। ये जितना बड़ा प्रॉब्लम है इसको एज अ साइड हसल नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना। बात तो अच्छी है, सोच भी अच्छी है। लेकिन फिर आपकी इक्विटी स्प्लिट क्या है आपके तीनों के बीच में? अंकुर के पास अभी 55% इक्विटी है। 55%? हाँ। और आपके पास? मेरे पास 30% इक्विटी है। साकेत के पास अभी इसमें 15% इक्विटी है। ओके। तो घर कैसे चल रहा है, यानी इनकम सेविंग हो गई है तीनों की काफी? मेरी वाइफ काम करती है तो मेरा घर तो अभी उसी से चल रहा है। आई एम नॉट टेकिंग एनी सैलरी। योर फर्स्ट इन्वेस्टर एक्चुअली। कितना पैसा लगा चुके हैं आप तीन? अब तक हम लोग 60 लाख रुपए लगा चुके हैं। आपके कितने सब्सक्रिप्शंस हैं पहले ये बताइए? अभी 1800। तो 1800 मतलब 200 और 300 रुपए लगाएं तो कितना हो जाता है साल का? 5.5 लाख रुपए के। 5.5 लाख, तो उससे तो धंधा बन नहीं सकता है। तो आपका धंधा बनता है एक तो आपके फार्मेसी से, हाँ जी, दूसरा जो हॉस्पिटल से कमीशन मिलता है, तीसरा जो लैब से कमीशन। हॉस्पिटल से कमीशन नहीं, हॉस्पिटल से कमीशन नहीं, कंसल्टेशन के बदले दे गेट पेशेंट्स फ्रॉम अवर ई क्लिनिक्स। एंड जो हमको अलग से सर्विसेज दे रहे हैं उनकी मार्केटिंग एक्टिविटीज कराने के, कैंप अरेंज कराने के लिए, उसके लिए दे वी चार्ज देम अराउंड 1.5 टू 2 लाख रुपीस। और लैब टेस्ट पे कमीशन मिलता है कि नहीं? लैब टेस्ट पे हमें अराउंड 50 से 60% का कमीशन है। टोटल रेवेन्यू बताइए, फिर वो यूनिट इकोनॉमिक्स बताइए। FY22 का बताइए। हमने January 2022 से स्टार्ट किया है विद दिस सक्षम कार्ड, तो अभी तक हमने 12,20,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है। पिछले महीने हमारा टोटल रेवेन्यू था 4 लाख रुपए, उसमें से 2 लाख रुपए हमें हॉस्पिटल से मिला था फॉर मार्केटिंग, अराउंड 90,000 रुपए हमें मिला था सक्षम कार्ड के सेल से, 60,000 रुपए हमें मिला था दवाइयों के सेल से, और 40,000 रुपए के आसपास हमें मिला था पैथोलॉजी टेस्ट। तो एक आउटलेट की इकोनॉमिक्स क्या? 5-6 हज़ार रुपए का रेंट लगता है, 10 से 12 हज़ार रुपए में हमें केयर गिवर मिल जाता है, वन टाइम कैपेक्स जो है लगभग 2 लाख रुपए के आसपास आता है। इनकम कितनी होगी पर आउटलेट? जो हमारा सबसे मैच्योर आउटलेट है उसकी इनकम 80,000 रुपए है पर मंथ। पर मंथ? पर मंथ। व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज? सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है आपको? सबसे बड़ा चैलेंज सर है अवेयरनेस एंड क्रिएटिंग ट्रस्ट। गांव के लोग आसानी से ट्रस्ट नहीं करते। ये फिजिकल सेटअप भी हमें इसलिए खोलना पड़ा है ना, अदरवाइज हम चाहते लोगों को एक बैग दे दें तो हमारे एक हेल्थ केयर वर्कर ही पूरे में एक मोबाइल इकलौते की तरह घूम सकता है। अभी हॉस्पिटल्स आपको डॉक्टर्स का चार्ज नहीं करते इस भरोसे पे कि उनको लीड मिल जाएगी जिससे उनको बिजनेस मिल जाएगा। इवेंचुअली इट विल ड्राइव रॉन्ग बिहेवियर। वो डॉक्टर के ऊपर प्रेशर बनाएगा हॉस्पिटल की, भाई तू लेके आ किसी को यहाँ पे, मेरा तो निकल ही नहीं रहा है, या वो कहेगा इसको बंद कर दो यार मेरे से नहीं हो रहा। सर हॉस्पिटल्स इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको केवल पेशेंट के अलावा एक अपना आउटरीच भी मिल रहा है। पर ये चैलेंज आएगा मेरे को लगता है। बट ये चैलेंज आ सकता है। ये ऑपरेशनली बहुत हैवी काम है और जो मुझे लगता है कि इसमें दो चीज हो सकती है, एक ये बिजनेस बन सकता है या ये सपोर्ट बन सकता है। मेरे को लगता है ये सपोर्ट तो बहुत अच्छा है, मैं भी करूंगा अपनी कंपनी से भी, खुद भी करूंगा। बट एज एन इन्वेस्टर क्या ये पैसे बनाएगा? मुझे नहीं लगता। फॉर नाउ आई एम आउट। आपने बोला कि आपने 60 लाख खुद के आप तीनों के पैसे डाले हैं इसमें, हाँ जी। तो एक क्लिनिक तो 2 लाख सेटअप, मतलब 14-15 लाख तो वहां गए, समझ गया। बाकी के 45 लाख तकरीबन कहाँ लगे हैं अभी तक? हमारे पास एक टेक्नोलॉजी टीम है जिसने पूरा प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। अच्छा, कितनी बड़ी टीम है? 15 के आसपास हमारे पास। ये भोपाल में? भोपाल में। ओके। कितना सैलरी कितनी है उनकी महीने? एवरेज सैलरी अराउंड 50,000 रुपए के आसपास। 8-10 लाख रुपए सैलरी लग रही है आपकी महीने? हाँ। यू आर बर्निंग मनी हर महीने? वी आर बर्निंग मनी, वी आर बर्निंग अराउंड 1.5 लाख। कैसे हुआ? जैसे 8-10 लाख खर्चे हैं, 4 लाख रुपया इनकम है, तो 6 लाख रुपया हो गए हैं। डिजिक्योर के अलावा जो आयोटन इन्फॉर्मेटिक्स है, दे आल्सो टेक सम प्रोजेक्ट। अब वो क्या है? अभी यार ये आपकी जो 10 लोग हैं वो औरों के लिए भी आईटी कंपनी काम करती है। हाँ जी। वो कंपनी में शेयर होल्डिंग किसकी है भाई? सेम, तीनों को फाउंडर ही है। उसका रेवेन्यू क्या है? 5 लाख रुपए के आसपास। आपके सारे आंकड़े जोड़ लिए मैंने, कहीं से भी मुझे राह नहीं दिख रही है बिजनेस बनने की। लेकिन अगर भरोसा बनेगा तो शायद बिजनेस का भी एक दिशा मिल जाए। तो इसलिए मैं पूछना चाह रहा था कि आप क्या कर रहे हैं इस दिशा में,
पर भरोसा बिल्ड करने के लिए वहाँ पे लोकल कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। वहाँ जो स्कूल्स होते हैं, वहाँ के जो सरपंच होते हैं, उनके थ्रू हम मिलकर वहाँ पे कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जिस क्लिनिक पे हमारा एक पेशेंट आता था दिन में, आज वहाँ 8 पेशेंट आ रहे हैं। तो भरोसा धीरे धीरे बिल्ड, और हेल्थ केयर में बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा चलिए, मैं और विनीता आपको एक ऑफर देती हूँ। वाओ, आपका जो ये ई क्लिनिक बिजनेस है, इसको स्केल करना, पैसे बनाना बहुत मुश्किल है। सेकेंडली, हमारा ऑफर इज कंडीशनल कि आपकी जो आईटी कंपनी है उसको आपको मर्ज करना होगा, बिकॉज यू कांट हैव द सेम फाउंडर्स इन टू कंपनी। हमें कॉज बहुत पसंद आया, एंड वी लाइक यू। आपने 1000 लोगों के विलेज में प्रॉब्लम खुद फेस की है, तो आप पे हम बेट ले रहे हैं। पर आपका रेवेन्यू है 4 लाख अ मंथ एज गुड एज प्री रेवेन्यू, तो इट्स अ स्टीप ऑफर, 40 लाख फॉर 20%। देखो, मेरे को अपना बहुत जेन्युइन लगे, इसमें पैसा बनाना बहुत इजी नहीं है। दिस विल रिक्वायर गुड इन्वेस्टमेंट एंड इट विल टेक टाइम। तो मेरा ये कंडीशन है कि वो आईटी बिजनेस हैज टू मर्ज हियर। मैं आपको पैसे दूंगा 1 करोड़ रुपए, आई टेक 25% ऑफ द कंपनी टू बिकम एन इक्वल पार्टनर। और मेरा इसमें वो रहेगा कि मैं ये अकेले ही करना चाहता हूँ। मैं आपको एक रिवाइज ऑफर, चलो एक और ऑफर, आप बहुत अच्छी बनती जा रही है ये। अब आप बस बैठो और मजे लो। पर ये कोई बिड वॉर नहीं है, मैं बिडिंग में नहीं जा रहा। आप ये बिजनेस समझते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी से ज्यादा नेटवर्क्स, आपने क्या बताया, नेटवर्क प्ले है। एंड आई डोंट थिंक आपको 25% ऑफलोड करना चाहिए एट दिस पॉइंट। मैं आपको बताती हूँ क्यों। पर आपने तो 20% मांगा था ना, 40 लाख ना, तो मैं रिवाइज कर रही हूं। तो अब आप कह रहे हैं कि 20% ऑफलोड पहले मांगा था, पर अब नहीं देना चाहिए। रिवाइज कर रही हूं। हां, आप पहले इसका जवाब दीजिए कि आप कह रहे थे कि 20% 40 लाख के दे देना चाहिए था, पर 20% अब नहीं ऑफलोड करना चाहिए। अनुपम, आप क्या कर रहे हो? सुनिए, इसको काउंटर करने दीजिए। कुछ भी बोलो, हां कुछ भी। जब आप स्केल करेंगे, आपको और इन्वेस्टर्स लगेंगे, तो आपको फंड रेजिंग करना पड़ेगा इन द फ्यूचर। तो हम, मैं और विनीता, हमारा ऑफर रिवाइज कर रहे हैं, 40 लाख फॉर 15%। वाओ। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, नो ऑफेंस टू नमिता एंड द मेडिकल प्रोफेशन, पर डिसरप्शन जो है ना मेडिकल इंडस्ट्री में, ये ऐसे नहीं आएगा। बहुत मोनेटाइजेशन हो गई है यहाँ पे, राइट? तो मैं उसी लिए किसी और के साथ काम नहीं कर सकता। ठीक है, समझ गया। अनुपम कुछ बोलना चाहते हैं। यार पहले तो मुझे ये बताइए, वो लड़की का नाम क्या था, आपको याद है? गीता, गीता। गीता। अब मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है आप प्री प्रोडक्ट मार्केट फिट, तो अभी बिजनेस ढूंढना है, लेकिन उद्देश्य बहुत अच्छा है। आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है और सिंसियरिटी है, वो चमक के बाहर आ रही है। मैं समझता हूँ टेलीमेडिसिन जो है आज तक नहीं चला है, लेकिन वक्त, टाइमिंग बिजनेस में सबसे जरूरी है, और टाइमिंग अब आ गया। ठीक है, बिजनेस मॉडल क्या बनेगा मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगा, लेकिन मेरी कंडीशंस है। एक है, आईटी सर्विसेज कंपनी को मर्ज करना पड़ेगा और वो काम जारी रखना पड़ेगा। दूसरा है कि क्लिनिक्स और नहीं बढ़ाएंगे। जिस दिन प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया, पैसा रेज करेंगे, वो मैं मदद करूंगा और फिर क्लिनिक्स बढ़ाएंगे। तीसरा कंडीशन हो गया, ये सारे नाम छोड़ के आपको इसका नाम रखना पड़ेगा गीता। क्योंकि अगर कुछ बड़ा करना है तो उसी की याद और उसी की बुनियाद पे बनाना पड़ेगा, तभी हम लगे रहेंगे। तो अगर ये सब आप मानते हो, तो मैं आपको 1 करोड़ रुपया देता हूं, और जो आपने मांगा था उसी वैल्यूएशन पे देता हूं, एक ड्रीम डील देता हूं मैं आपको, 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे 10%, ताकि इक्विटी भी आपके पास बनी रहे। यू कैन काउंटर एनी ऑफ अस, मैं ओपन हूं नेगोशिएशन के। चलिए आप बताइए। चलिए, थैंक यू।
Vinita, if I go lower, you'll be in or you'll be out? No, you go lower. Then you'll be out? Haan, haan. बहुत ही बढ़िया रोमांचक आपके हाथ खुल गए क्या ये क्या है चलो बोलिए बताइए We have a counter offer for you. For Namita, okay. 40 लाख 10% के लिए आप काम ही नहीं समझ पाए हो यार मुझे आपके साथ नेगोशिएट करना है। आई एक्सेप्ट योर डील थैंक यू बहुत बड़ी गलती है बिल्कुल गलती नहीं है ऐसा है नमिता को ये मालूम है क्या है मालूम है क्या है खट्टे अंगूर यू नो द बिजनेस आई नो द बिजनेस नेटवर्क इज व्हाट यू भाई एक काम कर देना प्लीज नाम गीता क्लिनिक्स रखो बिल्कुल नहीं ये रखो दिल से गीता को याद करेंगे ठीक है we'll make this day we'll make it चलिए वेरी गुड वेरी गुड they have literally killed their business By partnering with a medical firm, they have killed their business. Worst decision of their life. I'm so sad for them. Very good. See, Namita is a great entrepreneur. क्या है जब आप किसी चीज को disrupt करना चाहते हैं ये एक problem है जो सालों से solve नहीं हुई है तो आपको एक non-linear thinking चाहिए वो ट्रेडिशनल चक्कर में पहुंच गए अभी आप ट्रेडिशनल चक्कर में जाओगे तो वही इंसेंटिव का चक्कर है डॉक्टर्स को इंसेंटिव दो हॉस्पिटल्स को इंसेंटिव दो फिर आप गरीबों की सेवा कैसे करोगे एक वजह से अच्छा ही हुआ कि मेरी डील नहीं एक्सेप्ट हुई बिकॉज उनको समझ नहीं आ रही थी बात